नमस्कार विद्यार्थियों, आज का दिन 30 जनवरी 1948 इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिन्होंने विश्व को अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हम विद्यार्थियों उनके द्वारा किए गए राष्ट्रीय जो भी आंदोलन किए गए उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और यही हमारे तरफ से उनको श्रद्धांजलि होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, 9 जनवरी 1945 को दक्षिण अफ्रीका से वे वापस भारत आ गए थे और इसीलिए इसीलिए 9 जनवरी 1915 को हमने भारतीय प्रवासी दिवस मनाना प्रारंभ किया है। ये करंट का विषय है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, भारतीय प्रवासी दिवस ये मनाया जाता है विद्यार्थियों 9 से 10 जनवरी को, और इस साल 2023 का मनाया गया था ये इंदौर एमपी में। ये करंट के हिसाब से है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इन्होंने पहली बार अध्यक्षता ग्रहण की थी। कौन से अधिवेशन में? बंबई अधिवेशन में। फिर देखिए, गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में सबसे पहले उन्होंने चलाया था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पर है? ये बिहार में है। चंपारण बिहार में है। यह किसान आंदोलन था विद्यार्थियों, और यह भारत में इनके द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था। इसमें यह था कि यूरोपीय जो कंपनी थी उसके द्वारा भारतीय किसानों को बाध्य किया गया था कि वे अपने 3/20 भाग पर नील की खेती करें। नील की खेती, इसी को कहते हैं विद्यार्थियों तीन कठिया पद्धति। इसका विरोध हो रहा था और रामचंद्र शुक्ला ने गांधी जी को यहाँ आमंत्रित किया और उन्होंने आकर के यहाँ इस आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया था। उसमें राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जे बी कृपलानी, ये इन्होंने उनका साथ दिया था। ये नाम विद्यार्थियों आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेट के पेपर में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन नहीं था, तो दो तीन नाम हमें पता होना चाहिए। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें इसमें महात्मा कहकर बुलाया था इस आंदोलन की सफलता के बाद। ऐसा नहीं है कि पहली बार महात्मा बुलाया गया, इससे पूर्व भी डरबन में भी इन्हें महात्मा बुलाया गया था, लेकिन इसे लोकप्रिय करने का श्रेय दिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। प्रथम बार बापू उन्हें इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद में बुलाया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। ये 1918 में हुआ था गुजरात में। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों को प्लेग बोनस देने से इनकार कर दिया था, तो गांधी जी ने 35% बोनस देने की मांग की थी और वे इसमें भी सफल रहे थे। इस दौरान अंबालाल साराभाई और अनसुईया बेन, ये क्या थे? मिल मालिक थे ये भी, और इन्होंने गांधी जी का समर्थन किया था। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, अनसुईया बेन और अंबालाल साराभाई, और इस दौरान इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल करी थी। आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गुजरात में किया गया था। इस दौरान वहां फसलें खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उनसे जबरदस्ती लगान ली जा रही थी, तो इस आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया था और लगान न देने का नारा दिया था मोहनलाल पांड्या ने। इस नारे को याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन विद्यार्थियों, ये बहुत, जैसा यहाँ लिखा भी है, हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर था और ऐसा अवसर हमें भविष्य में देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश कह सकते हैं हम, ब्रिटेन ज़्यादा सही रहेगा, ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन कर दिया था और जो मुस्लिम वर्ग था वह तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानता था। इस कारण से वो उनके एंटी हो गए और गांधी जी को यह सुनहरा अवसर मिला कि वो हिंदू और मुस्लिम वर्ग को साथ लेकर के कोई आंदोलन चला सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। और 17 अक्टूबर 1920 को बनाया गया खिलाफत दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह पहला मौका था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद
असहयोग आंदोलन, विद्यार्थियों हमें पता है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए। इसका टाइम पीरियड देखिएगा आप, 1920 से 22 तक चला। ये 1 अगस्त 1920 को इसको शुरू किया गया था और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और गांधी जी ने कहा मेरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म हो गया है। खैर, ये आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने कई रचनात्मक कार्यक्रम और कई नकारात्मक कार्यक्रम प्रारंभ किए। रचनात्मक कार्यक्रम कौन से? जैसे स्कूल कॉलेजों की स्थापना की जाए, कताई बुनाई को बढ़ाया जाए। और नकारात्मक ये था कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी उपाधियां दी गई उन्हें लौटा दिया गया, उनका बहिष्कार किया गया। लेकिन चोरा चोरी कांड के कारण यह समाप्त हो गया। ये गोरखपुर में हुआ था। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से करेंगे। चोरा चोरी कांड के कारण ये समाप्त हो गया। इस कारण गांधी जी की बहुत अधिक आलोचना के पात्र भी वे बने थे। और ब्रूमफील्ड ने, ये उस समय के न्यायाधीश थे, उन्होंने असंतोष भड़काने के आरोप में इन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी थी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन 2 वर्ष बाद ही गांधी जी यहाँ से फ्री हो गए थे। अगला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस समय अंग्रेजों ने बहुत अधिक कर लगा दिए थे और सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है? विनय पूर्वक अवज्ञा करना, कानूनों को मानने से इनकार करना। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले नमक कानून को तोड़ने हेतु 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ की और वहां जाकर के नमक तोड़कर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। इससे पूर्व इन्होंने एक 11 सूत्री मांग पत्र दिया था अंग्रेज सरकार को, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तो गांधी जी ने कहा भी था, मैंने रोटी मांगी थी, इन्होंने मुझे पत्थर दिया है। तो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इसमें विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, राजस्थान के कौन कौन उनके साथ थे? नारायण दत्त, मदन मोहन चतुर्वेदी और सुल्तान सिंह, ये तीनों ही नाम आप याद रखिएगा। और इसका आदर्श वाक्य था अंत तक लड़ो। अंत तक लड़ो इसका क्या था? आदर्श वाक्य था। ठीक है, स्लोगन काफी बार पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में भारत छोड़ो आंदोलन हमें पता है सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत छोड़ो ही ये नाम सबसे पहले दिया था विद्यार्थियों यूसुफ मेहर अली ने, ध्यान रखिएगा। और करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। 8 अगस्त 1945 को बम्बई में प्रारंभ हुआ था ये, ग्वालियर टैंक मैदान में। ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इन्हें आगा खां पैलेस में कैद कर लिया था गांधी जी को। आगा खां पैलेस में कैद कर लिया था। लेकिन ऑपरेशन रूबीकॉन एक चलाया गया था, ये एक कोड था जिसके माध्यम से जो अंग्रेज सरकार थी वो गांधी जी के मरने का इंतजार कर रही थी। तो आप ऑपरेशन रूबीकॉन को भी ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों, ये कुछ गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों को हमने बहुत क्विकली देखा है और यही हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। तो जय हिंद, जय भारत।